नेक्स्ट करंट बोले जाते हैं तो कैसा लग रहा है, कितने साल बाद आए हैं? आफ्टर थ्री इयर्स, ये काफ़ी टाइम हो गया और यहीं आया हुआ था, फंक्शन था तो बिहार जाते समय थोड़ा सा नीचे बैक में थोड़ा सा तकलीफ हो गई तो ठहर गया यहीं चार दिन। सर दार्जिलिंग कैसा लगता है सर आपको? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सर ये घर जो आपने बनाया कितने साल हुआ सर? काफ़ी हो गए, 14-15 साल हो गए। तो हमेशा आते हैं सर जी यहाँ पर? कीप ऑन करें सर। दार्जिलिंग का क्या चीज़ आपको अच्छा लगता है स्पेशल? सुंदरता, लोग, यहाँ जो प्रेम मिला करता है, कभी ऐसा लगता नहीं है कि पराया है। और खास करते हुए ऑल ओवर देश के, यहाँ इवन इन बंगाल बहुत लोग प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं, अविश्वसनीय है। सर आपका जो फेमस एक डायलॉग है वो सभी मेरा दर्शक आज तक का दर्शक सुनना चाहते हैं। मैं क्या डायलॉग सुनना चाहता हूँ? कुछ भी एक सर, आपका मनपसंद सर। मेरे डायलॉग तो मेरे फेवरेट होते नहीं, एक ही है ये, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। सर जैसे दार्जिलिंग का, अरे तो आपको आज तक चैनल के लिए कर रहे हो? जी अनदर डायलॉग करते हो? ओके सर इट्स माय प्लेजर, आवर प्लेजर, द वीवो फॉर प्लेजर सर। अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ लिए हो का? कितना नचा रहा है बे। सर दार्जिलिंग के बारे में क्या जनता को बोलने चाहते कि दार्जिलिंग, व्हाट यू फील एक्चुअली दार्जिलिंग? मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे, खास तौर पे जो मैं यहाँ पे आया, इट वाज माय वाइफ्स डिसीजन, और क्योंकि वो उनके तार काठमांडू की जो है, उनके माता जी और पैदाइश उनकी जो है वो कोलकाता की है, तो ये सब बच्चे यहीं पे पैदा हुए। उनके पिताजी जो है आदरणीय दिलीप साहब के फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे किसी ज़माने में, तो ये लोग कोलकाता के हैं। और जिस वक्त वो कहने लगी कि शी वांट्स के वो यहाँ पे जा रही हैं कि थोड़ा सा खुली हवा में जिए, अच्छा लगेगा, किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है, प्रदूषण से विहीन है, तो हमने सोचा कि अच्छा लगा, बहुत सुंदर है, कभी तकलीफ नहीं आई किसी चीज़ की, और बहुत प्रेम दिया करते हैं लोग। सर दार्जिलिंग कितने साल बाद आए? कितने साल बाद आया और कहाँ कहाँ घूम लिया सर दार्जिलिंग? 3 वर्ष हो गए। मैं गया था यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने थोड़ा खाना पीने का सामान और साथ साथ में थोड़ा सा मैंने शॉल्स खरीदी, गया था थोड़ा सा घुमा फिरा, अच्छा लगा। थोड़ा सा धीरे धीरे वॉक कर रहा था क्योंकि थोड़ा सा ये नीचे बैक में तकलीफ थी। और कितना दिन रुकेंगे सर आप? बस अभी कल निकलूँगा, ओके थैंक यू सो मच।